अगर नए हो उस चैनल के ऊपर तो लाजमी सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अपनी राय से जरूर कमेंट करना। मैं आप लोगों के लिए खासतौर पर शॉर्ट्स बना रहा हूँ, लॉन्ग वीडियोस बना रहा हूँ, आप लोगों का भी फायदा है, मेरा भी फायदा है। डिस्क्रिप्शन में देखो तीन चार चीजों का आपने ख्याल रखना है। पहली चीज, हाउ टू स्टार्ट राइट अ डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन को लिखना कहां से शुरू करें, ये सबसे मेजर पॉइंट है। क्यों यार, जो गोरा है ना, गोरा गिग थंबनेल के बाद दूसरी चीज डिस्क्रिप्शन पड़ता है, ठीक है। वो पैकेज का भी होता है और साथ ही साथ जो गिग का डिस्क्रिप्शन होता है, वो इन दो चीजों को देखता है। टाइटल के ऊपर वो इतना गौर नहीं करता, ठीक है। इसी वजह से आपने देखा होगा टाइटल के ऊपर लोग रैंक करते हैं, अलग अलग टिप्स हैं, अलग अलग ट्रिक्स हैं, वो सब अप्लाई करते हैं और वो ना रैंक करते हैं। लेकिन डिस्क्रिप्शन के ऊपर काम नहीं होता। डिस्क्रिप्शन के ऊपर वो देखता है यार, इज दिस गिग स्पेसिफिक टू माई रिक्वायरमेंट और नॉट, ठीक है। अगर वो नहीं होगी तो कभी भी, ना आज ना कल ना 10 साल बाद, बायर कभी भी परचेज नहीं करेगा। अच्छा, ये तो हो गई हमारी पहली बात। दूसरी चीज, SEO ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन। हाउ टू राइट एन SEO ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन, दो चीजें होंगी, ठीक है। कि आपने अपने डिस्क्रिप्शन को SEO रिच करना है, कीवर्ड रिच करना है, ताकि वो फाइवर के एल्गोरिथम्स को बताए कि भाई ये एक्सपर्ट है। उसके बाद जब आप ये सब चीजें कर लेंगे, मतलब SEO ऑप्टिमाइज कर लेंगे, स्टार्ट कैसे करना है उसको वो भी देख लेंगे, फिर उसके बाद तीसरी चीज आती है बॉडी। डिस्क्रिप्शन जो है ना, मैंने तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। पहले हमारा जो है वो स्टार्टिंग है, फिर उसके बाद SEO ऑप्टिमाइजेशन है, फिर हमारी बॉडी कंटेंट है कि हमारा जो भी गिग है जो उससे रिलेटेड है वो सर्विस हमने किस तरीके से प्रेजेंट करनी है, ठीक है ना। ये तीसरी चीज है। चौथी चीज होती है एंडिंग। एंडिंग के ऊपर आपने कौन से वो हैशटैग्स यूज करने हैं जो मार्केट में अभी चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी फाइबर के जो गिग्स रैंक हो रही हैं उसमें मेजॉरिटी जो है वो हैशटैग्स लोगों ने यूज किए हुए हैं, ठीक है। कुछ लोगों की उस निश के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे जो वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहे हैं उनके हैशटैग्स आपको नजर आ रहे होंगे। अब काफी गिग्स यूज कर रही हैं, काफी नई भी कर रहे हैं, ठीक है। एक तो हो गई हैशटैग, दूसरा लास्ट में आपने अपनी गिग को खत्म किस तरीके से किया। मैं जब भी गिग को एंड करता हूं तो एक कोशिश करता हूं कि मैं उसको एक कन्वर्जेशन इनिशिएट करूं, ठीक है। कोई लूप होल छोड़ दूं या कोई ऐसा लूप एंड छोड़ दूं कि जिससे ना पता हो कि हम जो बायर है वो किसी तरीके से कन्वर्स करना चाह रहा है सेलर के साथ, ठीक है। तो कोई भी ऐसा एक मैसेज, एक क्वेश्चन या फिर कुछ ऐसा आई कैची स्टेटमेंट हो कि जो बायर को अट्रैक्ट करे, क्योंकि वहां पर आपकी जो सेल है ना वो क्लोज होने वाली है। अब चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, क्योंकि देखो बेसिक आप लोगों को बताना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं सब चीजें नहीं बताऊंगा डायरेक्ट जो है हम इन सब चीजों के ऊपर या कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर मैं आपको बता दूंगा, तो काफी यहाँ पे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मैट्रिक इंटर पास, ठीक है, या वो पढ़े लिखे भी ज्यादा नहीं होते, तो उनको ना मतलब ये बेसिक्स ऑफ कारोबार सिखाना पड़ता है, ठीक है। जब तक बेसिक्स ऑफ कारोबार आप लोगों को नहीं आएगा ना, तो वो क्योंकि वो एक ऐसा फिनोमेना है वो हर जगह लगती है सब चीजें, ठीक है। तो जब तक आप ये सब चीजों को इम्प्लीमेंट नहीं करोगे यार, वो सिर्फ SEO नहीं होती, मैंने आपको फिर कह रहा हूँ प्रेजेंटेशन भी होती है, सक्सेस स्टोरीज होती हैं। अगर आपके पास सक्सेस स्टोरी नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे वो भी आपको आगे आगे चलते जो वीडियोज हैं वो आती जाएंगी, मैं आपको बता दूंगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अच्छा ठीक है, अभी आ गया डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में ना सबसे पहले मेरे पास जो है ना वो होता है चैट, हाँ तो मेरे पास होता है यार ChatGPT। अब ChatGPT से कैसे मैं डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, सबसे पहले पता है क्या करना है, ये आप मेरी पुरानी चैट हिस्ट्रीज देख सकते हो, बड़ी चीजें मैं कर रहा होता हूँ, ठीक है। ओवरव्यू, अब मेरे पास जो मेरा टाइटल है उस टाइटल को ना मैंने पहले कीवर्ड्स निकालने होते हैं, जैसे कि हमने पैकेज डिस्क्रिप्शन में किया था। कीवर्ड में स्पीड ऑफ एडप्रेस वेबसाइट लैंडिंग पेज, ठीक है। लैंडिंग पेज को भी अगर हम स्पीड अप की जगह जो है, अब मैं ना बड़ी आप लोगों को ना चीजें सिखाता हूँ आज जो शायद ही आपको किसी ने बताई होगी। चैनल पर नए हो तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देना। अच्छा जी, ये आ गया। अब हम पता है क्या करेंगे, अब सबसे पहले तो मैं ढूंढूंगा कि गिव ऑल्टरनेट वर्ड्स टू स्पीड अप, ठीक है। हाँ भाई, अब देखो, अब मेरे पास इतने सारे वर्ड्स आ गए। स्पीड अप को हम एक्सेलरेट भी बोल सकते हैं, हैसन भी कह सकते हैं, क्विकेंट भी कह सकते हैं, एक्सपीडाइट भी कह सकते हैं, एडवांस भी कह सकते हैं, फास्ट ट्रैक भी कर सकते हैं। फास्ट ट्रैक इज वेरी वेरी हाईली कन्वर्टिंग वर्ड, ठीक है। फास्ट ट्रैक ये आपको अक्सर बाहर के जितने भी बड़े बड़े कंपनीज के लैंडिंग पेजेस होते हैं ना,
उधर आपको नजर आएगा, फास्ट ट्रैक SEO सक्सेस और जो कोर्सेज बेच रहे होते हैं अक्सर, तो उधर भी आपको नजर आएगा। अच्छा फिर उसके बाद है प्रेसिपिटेट हरी रश, रश भी करके दे, हरी गैल्वेनाइज प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट भी जो है ना मैं थोड़ा सा स्पाइस अप करके शो कर सकता हूँ। चाहिए मेरे कुछ पुराना काम खुला हुआ है वो मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये आ गया, ये हो गया प्रॉम्प्ट। अच्छा जी अब ये तीन चार चीजें मैंने ढूंढ ली हैं, अब मैं क्या करूंगा भाई, इसको मैं एक कमांड देता हूँ, यूज दीज कीवर्ड्स, ठीक है, यूज दीज कीवर्ड्स। अच्छा भाई उसको मैंने चार कीवर्ड दे दिए, याद है हर कीवर्ड के आगे कॉमा लगा देना, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा लेजी हो ना मेरी तरह तो पता है क्या करो, वर्ड पे जाओ, वर्ड पे गए, ठीक है, वर्ड खुल गया, ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोला, कंट्रोल भी पेस्ट मार दिए, ठीक है। पेस्ट मारने के बाद रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस पे जाओ, यहाँ पे शिफ्ट दबा के सिक्स, नंबर सिक्स, न्यूमेरिक सिक्स प्रेस करोगे तो ये ऊपर वाला एक ट्राइंगल खुलता है। इसके बाद पी प्रेस करो, इसका क्या मतलब है, इस का मतलब ये होता है कि जो भी टेक्स्ट है ना वो आपके जो नेक्स्ट लाइन में, ठीक है, जो भी नेक्स्ट लाइन में, जैसे स्पीड ऑफ वर्डप्रेस वेबसाइट एक लाइन में, फास्ट ट्रैक लैंडिंग पेज दूसरी लाइन में, गूगल पे स्पीड इनसाइट्स तीसरी लाइन में, इसको रिप्लेस में कर दूं कॉमे के साथ, रिप्लेस ऑल, ये देखो भाई वन क्लिक, ठीक है, वन क्लिक में सारे मैंने आप लोगों को कॉमा इंसर्ट करना सिखा दिए। मतलब भाई आप लोगों का जो कीवर्ड का मसला है ना ये आपके भाई ने ऐसे ही रिजॉल्व कर दिया। अच्छा मतलब अब कभी भी आपके पास कीवर्ड्स लाइन बाय लाइन हो या फिर आपको कभी कॉमा चाहिए हो तो आप स्पेस, जहां मैंने वो ट्राइंगल पी रखा है वहां स्पेस डाल के नीचे रिप्लेस विद कॉमा करो तब भी हो जाएगा, वरना इस वाले को लाइन बाय लाइन है तो इस तरीके से करो तब भी मसला हल हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत छोटा छोटे हैक्स, ऐसे बोनस टिप्स मैं आप लोगों को बताता रहूंगा इस छोटी छोटी जर्नी में, ठीक है। अब क्या करूंगा भाई, मैंने सारे कीवर्ड्स डाल दिए, ठीक है, सिंपल इस इन्वर्टेड कॉमा को बंद किया, जनरेट अ 5 गिग डिस्क्रिप्शन दैट हैज एन आई कैची ओपनिंग, हाईली कन्वर्टिंग, हाईली हाईली कन्वर्टिंग एंड लाइन, ठीक है, हाईली कन्वर्टिंग एंड लाइन दैट शुड बी द बेट फॉर द बायर, ठीक है। एक दफा ये कमांड डाल के देखना, ये कमांड आपको मेरे YouTube की जो डिस्क्रिप्शन होती है उधर आपको नजर आ जाएगी, इसको आप यूज करो फिर देखो आपके पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। अब मैं पहले देखो, अब इसने बड़ा मजेदार काम करके दिया, सुपर चार्ज वर्डप्रेस वेबसाइट लाइटनिंग फास्ट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, बड़ी जबरदस्त चीज इसने लिख कर दी मुझे। मैं जाता हूँ डिस्क्रिप्शन FAQ पे, ऊपर प्रेस किया, कंट्रोल ए किया, बोल्ड हो गया, ठीक है। बोल्ड होने के बाद ये तो हमारी हो गई पहली चीज, ठीक है। अब हमने क्या करना है, स्ट्रगलिंग विद द स्लगिश वर्डप्रेस वेबसाइट, स्ट्रगलिंग विद अ स्लगिश वर्डप्रेस वेबसाइट ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ ब्लेजिंग फास्ट ऑनलाइन पावर इन अ वर्ल्ड वे सेकंड। अच्छा भाई ये मुझे थोड़ा सा एग्जैजरेटेड पॉइंट लग रहा है। अच्छा अब मैं पता क्या करूंगा, रेडी टू रेव अप योर वेबसाइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। आहा ये आ गई हमारे पास एंड लाइन। मुझे दो चीजें पसंद आई, बाकी चीजें नहीं पसंद आई, बाकी जो बीच में जो बॉडी कंटेंट है मैंने आपको कहा कि इसके ऊपर आपने ध्यान देना है। सर्विसेज ऑफर, अब इसको क्या करूंगा, एक और कमांड देता हूँ, यूज लेस करेक्टर्स, यूज लेस करेक्टर्स, कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, और अब देखो नहीं समझ आया, यूज शॉर्टर बुलेट पॉइंट्स, क्योंकि मेरे यार इस चैट GPT के ऊपर बहुत ज्यादा ट्यूटोरियल्स थे, डेप्थ मैंने बनाए थे, कहता हूँ ना यूट्यूब नहीं चला, ठीक है, तो अब वो फाइवर के थ्रू जरूर चलेगा, ChatGPT भी चलेगा मेरा इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लेनी मैंने, ठीक है। ये देखो शॉर्टर बुलेट पॉइंट्स आ गए। अब मैं इसको पता है दोबारा एक दफा मैंने इसको ट्रिक किया है, अब मैं इसको देखो क्या करता हूँ, यूज लेस करेक्टर्स, मतलब यार इसके साथ खेलने में इतना मजा आता है मैं क्या बताऊँ। ये देखो चलो हो जाओ, अच्छा जी दोबारा से वही रिजल्ट्स आ गए, यूज ओनली बुलेट पॉइंट्स। अब मैं घुमा फिर आगे इसके साथ खेलूंगा जब तक मुझे मेरी चीज नहीं मिलेगी, अब जाके मुझे मेरी चीज मिली है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये मुझे जरा सा, अब इसने पता है क्या करा है, ऊपर स्पेसिंग खत्म कर दी है, ठीक है, स्पेसिंग खत्म की, और अभी जो है इसने हेडलाइंस भी दी हुई है, रिमूव हेडलाइंस भी करता हूँ,
रिमूव हेडिंग्स चेक कर रहे हो। अब आइए हमारी चीज बन के बाहर। अच्छा अब ये अगर आप लोगों को समझ आता है तो ठीक है, नहीं समझ आता तो कोई मसला नहीं। पहली लाइन और लास्ट लाइन को मैंने कर दिया बोल्ड, ठीक है बोल्ड हो गया। ऑप्टिमाइज वर्डप्रेस वेबसाइट रैपिड साइट्स अनफॉरगेटिंग लाइटनिंग फास्ट लैंडिंग लैंडिंग पेज, ठीक है। गूगल ग्रीन लाइट टॉप स्कोर्स, टॉप स्कोर्स ये भी हम दे रहे हैं। क्विक रिजल्ट्स कीप 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 कीप, नहीं, अब ये थोड़ा खराब है। क्विक रिजल्ट्स गेट मोर इंगेजमेंट्स इंगेजमेंट इंगेजमेंट एंड इंप्रेशंस, ठीक है, क्योंकि गूगल के ऊपर यही चीजें चाहिए होती हैं। ट्रांसफॉर्म्स ट्रांसफॉर्म इंप्रेंस रैंक हायर, आई गेस ये सब चीजें ठीक है। इसके बाद गूगल, इसके बाद जो है कंप्रेस HTML images, क्योंकि मुझे यार मैं इस फील्ड के ऊपर काम कर रहा हूँ, बहुत पुराना काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है सब चीज़ें क्या होती हैं। कंप्रेस CSS कोड, ठीक है। ऑप्टिमाइज डेटाबेसेस डेटाबेसेस, ठीक है। और उसके बाद है, उसके बाद कंप्रेस, नहीं, लेजी लोड JS स्क्रिप्ट, ठीक है। और इसके ऊपर एक और हम लोग काम करते थे, एक और सर्वर ऑप्टिमाइजेशन, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। सर्वर ऑप्टिमाइजेशन मतलब यार ये थोड़ा सा अच्छा। उसके बाद हमारे पास एक दो और चीज़ आती है, CDN एनेबल्ड, ठीक है। उसके बाद CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है। उसके बाद मुझे याद नहीं आ रही, दो तीन चीज़ें और होती हैं। खैर हाँ, इमेज नेक्स्ट जेन फॉर्मेट कन्वर्जन, ठीक है। अब देखो ये कुछ चीजें मुझे पता थी तो मैंने लिख दी, जिसको नहीं पता वही बात आती है सर। देखो जब आप किसी स्किल के ऊपर काम कर रहे होते हो और सर दराज से काम कर रहे हो, तो आपको पता होता है कि बैक एंड पे काम है, फ्रंट एंड पे काम है, टेक्निकल पे काम है, और इसी को हम जो है स्किल कहते हैं, ठीक है। अगर तो ये चीज के ऊपर आपकी ग्रिप है तो आप ये खुद से लिख सकते हो, अगर तो नहीं है भाई तो किसी और का छाप लेना। छापने के बाद जैसे अब देखो फॉर एग्जाम्पल आप मैट्रिक पास हो, आपको नहीं आता कुछ, ठीक है। इसको आपने किया कॉपी, चैट जीपीटी पे गए, यहाँ पे आपने दो ऐसे कमांड्स लिखने हैं जिससे ना सारी चीजें बदल जाएंगी। एक करना है आपने रीऑर्डर द बुलेट पॉइंट्स, ठीक है, रीऑर्डर द बुलेट पॉइंट्स। अब देखो नहीं किया इसने, रीऑर्डर दी बुलेट पॉइंट्स टू रिमूव प्लेजरिज्म। अच्छा भाई अब देखो, अब इसने जो है इस चीज को प्लेजरिज्म से बचाने के लिए वर्ड्स के साथ हेरा फेरी की है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, अगर तो नहीं तो इसका एक और कमांड होता था, दीज आर दी बुलेट्स दैट आई एम प्रोवाइडिंग, ठीक है। आई नीड यू टू शफल देयर ऑर्डर्स, इसका मतलब ये है कि आगे पहले वाला दूसरे पे ले आओ, तीसरे वाला ले आओ, चौथे पे ले आओ। देखो अब इसने कर दिया, क्विक रिजल्ट्स गेट मोर एंगेजमेंट इंप्रेशन कंप्रेस HTML CSS कोड सिक्योर गूगल ग्रीन लाइट टॉप स्कोर्स, अब इसने कर दिया, ठीक है ना। तो ये सारे कमांड जो मैंने यूज किए हैं ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, इसके ऊपर फाइवर के कोई पॉलिसी वॉलेशंस नहीं आएंगे, किसी भी सेलर की वॉलेशंस नहीं आएंगे, ठीक है, आ नहीं सकते इन सब चीज़ों पे, नहीं आ सकते। वेयर एज कॉपीराइट की वजह से कोई मसला बन सकता है, वॉलेशंस पॉलिसी वॉलेशंस की वजह से मसला बन सकता है, क्योंकि सेलर जब ये देखता है यार मेरी डिस्क्रिप्शन उसने कॉपी पेस्ट की है, एक तो पहली चीज़ कॉपी पेस्ट को एल्गोरिथम्स नहीं 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 फेवर कर रहे हैं, ठीक है ना। कॉपी पेस्ट मींस डिस्क्रिप्शन आपने उठा के उसकी रख दी, पैकेट डिस्क्रिप्शन उठा के उसकी रख दी, टाइटल भी उसकी रख दी। भाई वंस इन अ ब्लू मून कोई केस चल गया होगा, या आपको यूट्यूब के ऊपर मंजन बेचते रहे लोग बेचते रहे, अब नहीं चल रही है सब चीजें। चलाओगे करके देख लेना, हम खुद, बल्कि मैं कहता हूँ कि इसी अकाउंट की कॉपी करो, ठीक है,
पॉलिसी वॉल्यूशन अगर आपको ऐसे नहीं आती तो हम दिलवा सकते हैं फाइबर के थ्रू, ठीक है ना। मतलब ये है कि सेलर रिपोर्ट कर सकता है आपकी गिग को किसने हमारी कॉपी की है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए भाई आपके हाथ में एक 3.5 चैट जीपीटी प्रीमियम नहीं चला रहा, मैं बा 4 भी बढ़ा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी 3.5 के ऊपर आप लोगों को इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि इसका सबके पास एक्सेस है। फ्री के ऊपर एक गिग अगर जनरेट हो सकती है तो वाई नॉट, क्यों हम इस सब चीजों को छोड़ते नहीं है कि हम जाएंगे जी वही डीडो वाले काम, कॉपी पेस्ट वाले, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को सिखा दिया। आज हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आज हमने ये चीज देखी है कि हमने फर्स्ट लाइन बनाई, लास्ट लाइन बनाई, बीच में बॉडी कंटेंट चैट जीपीटी के थ्रू कैसे जनरेट करना है फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन के लिए। याद रखना चार चीजें बताई थी, पहली फर्स्ट लाइन, ठीक है, उसके बाद मैंने एसईओ ऑप्टिमाइजेशन जो कि अभी हमने नहीं की है, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन मैं आपको बताऊंगा कैसे होगी इसकी नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट लाइन मैंने आप लोगों को बता दी है, बुलेट पॉइंट्स बॉडी कंटेंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लास्ट लाइन के ऊपर भी थोड़े चेंजेस हैं, नेक्स्ट वीडियो जो आ रही है इंशाल्लाह उसमें मिलते हैं। चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि चीजें पूरी आने वाली हैं, कुछ नहीं मिस होने वाला। अल्लाह।